अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और जी आज मैं बना रही हूँ मोहम्मद जावियान की बर्थडे का केक। जावियान की पैदाइश हुई थी 12 रबीउल अव्वल को, और जो है कि वैसे अक्टूबर महीना है पर दिन 12 रबीउल अव्वल था। तो आज मैं बना रही हूँ केक। उसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं, और बाकी जो है कि जो मैं उसके केक में यूज़ करूँगी स्ट्रॉबेरी ग्लेज, और ये मैंने मैंगो की भी प्योरी रखी थी फ्रीज़ करके। तो आज मैं सिर्फ बनाऊँगी स्ट्रॉबेरी ग्लेज। और ये हैं केक के लिए स्प्रिंकल्स हैं, और जो है कि आस्ते आस्ते सारी चीज़ें ड्रॉर से निकालती जा रही थी। और ये मैंने मोल्ड उठाया है केक का। अभी पहला काम ये करेंगे कि इसको हम जो है कि ऑयल लगा के और थोड़ा सा इस पे बेक ये मैदा लगा के और इसको हम रेडी करके रख देंगे। और जो है कि मैं दो जो है कि केक मोल्ड उठाऊंगी, एक ये वाला साइज़, एक बिल्कुल छोटू सा, क्योंकि डबल वाला हमारा केक बनेगा। और जो है कि अगर आपके पास बटर पेपर ना हो ना, तो ये मेथड मैं करती हूँ यूज़, तो मैं ज़्यादातर बटर पेपर नहीं लेती। ये इजीली इसे जो है ना केक आउट भी बाहर हो जाता है। ये मोल्ड को मैंने रेडी करके रख दिया। अब आ रही है कि हमारा जो है कि बीटिंग का टाइम है, और मैंने इस केक के लिए मैं यूज़ करूँगी 4 अंडे। और ये अंडे मैंने फ्रिज से दोपहर में निकाल के रख दिए थे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। ठंडे अंडों का इस्तेमाल नहीं होता, तो ये रूम टेम्परेचर पे आ गए थे। तो ये 4 अंडे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद जो है कि इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट्स जो हम ऐड करेंगे वो होगी शुगर। उसके लिए मैंने ये बीटर भी रेडी करके रखा है, इसके साथ हम बीट करेंगे इसको। तो अब आ रही है कि इसमें शुगर डालेंगे। शुगर इसमें जाएगी 1 कप, क्योंकि वैसे 1.5 जाएगी, बट ये केक में जो है ना बहुत सारी मीठी चीज़ें इस्तेमाल होने वाली, तो इस वजह से मैंने 1 कप ही डाला है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी ग्लेज भी मीठा बनेगा और शुगर सिरप भी लगेगा इस केक पे, तो एक्सेस मीठा नहीं मुझे रखना, तो इसलिए मैंने शुगर 1 कप डाली है इसमें। और 4 अंडे इनको इतना बीट करेंगे कि ये फॉर्मिंग कंसिस्टेंसी आ जाए इसकी। उसके बाद आगे जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे फिर वो हम ऐड करते जाएंगे आराम आराम से। और ये देखिए अब ये आराम आराम से ये देखें फॉर्मिंग की तरह होता जा रहा है, ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हमें इसमें जो हमें एसेंस डालने हैं, जो फ्लेवर हमें करने, तो मैं बना रही हूँ पिस्ता फ्लेवर का ग्रीन कलर का केक। तो ये पिस्ता फ्लेवर मैंने इसमें इतना सा ऐड कर दिया, और मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन फूड कलर, लिक्विड कलर है मेरे पास, और मैं कलर रखूँगी अपने पास अभी तो। और उसके बाद जो है कि ये थोड़ा सा वेनिला एसेंस डालूँगी, क्योंकि वेनिला एसेंस तो मस्ट डलता है हर केक में। अंडों की स्मेल जैसे ना किसी किसी में हो जाती है ना केक में, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैं केक बनाती हूँ उनमें नहीं होती, तो मैं इस चीज़ पर ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करती हूँ कि स्मेल ना रहे। अभी मैं इतना डाल रही हूँ इसमें फूड कलर, जैसे ग्रीन प्रॉपर जो मुझे ग्रीन चाहिए ना केक का कलर, तो जैसे कट हो तो अंदर से ग्रीन कलर का, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है तो मुझे ग्रीन कलर ही बनाना था केक का, तो मैंने वाइट और ग्रीन बनाया था। उसके बाद हम डालेंगे 1/3 कप जो है ऑयल, कुकिंग ऑयल आप यूज़ करें या बटर ऐड करें, मैं तो कुकिंग ऑयल जो नॉर्मल हम घर के खाने में यूज़ करते हैं मैं वही इसमें ऐड करती हूँ। देखिए कितना फ्लफ़ी टेक्सचर बना है मिक्सचर का। अब आ रही है मैदे की, और मैं इस केक में यूज़ कर रही हूँ मैदा 2 कप। और उसके बाद मैं इसी में 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, और 2 पिंचेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर तो मैंने निकाल के रखा था, अभी बेकिंग सोडा जो हम पकौड़ों में ऐड करते हैं वो वाली 2 पिंचेस जाएंगी इसमें, जस्ट लिटिल बिट, इतनी ज़्यादा भी ना डालिएगा कि फिर कड़वाहट आ जाती है केक में। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड करके इसको सिफ्ट कर दूंगी अच्छे से, 2 टाइम सिफ्ट करेंगे, एक दफ़ा यहाँ कर ली और दूसरी दफ़ा जब हम मिक्सचर में ऐड करेंगे ना तब भी हम सिफ्ट करके डालेंगे। इससे जो है ना केक में एक एरी केक बनता है, फ्लफ़ी और सॉफ्ट केक बनता है सिफ्ट करने से, तो आप जितनी बार सिफ्ट करेंगे उतना ही केक के लिए अच्छा होगा। अब हमने बीटर को बंद करके और इसको हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि मैदा डाल के बीटर आप लगाएंगे ना तो वो केक फूलता नहीं है। तो अभी बस इसको मैं ऐसे फोल्ड करती जाऊँगी,
इसमें दूध इतना डालेंगे जैसे ये हमारा जैसे रिबन बनती है ना, आप ऊपर करके नीचे फेंकें इसको इस तरह से, तो रिबन बननी चाहिए, तो वो हमारी बन रही है। उसके बाद ये दूसरा मोल्ड भी मैंने निकाल दिया, इसको भी रेडी कर दिया। तो 1 1/2 इसमें डाल दिया, मतलब 1/3 इसमें डाल दिया, बाकी का जो हाफ था वो मैंने छोटे मोल्ड में डाल दिया। तो दोनों केक का मेजरमेंट मुझे अपने अंदाजे के साथ पता था, तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप अलग बनाएं तो आप अलग वाला बनाइएगा। तो इसको हम रखते हैं अब बेक करने के लिए। मैंने 2 पॉट्स रखे थे, एक ये वाला बड़ा देगचा रखा था और दूसरा भी इसी तरह का पेन रखा था, उसमें मैं बनाऊंगी ये दूसरा वाला भी। अगर मैं इसको बेटर को रख देती ना एक ही पतीले का वेट करती तो ये केक अच्छा नहीं बनता है फिर। और अब केक हो रहे हैं बेक, उसके बाद ये मेल्ट हो गई है स्ट्रॉबेरीज, और इसमें अब हम ऐड करेंगे ये थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और फूड कलर इसमें ऐड करेंगे जैसे एक अच्छा सा कलर आए, और शुगर, शुगर इसमें मैं डालूँगी 3 से 4 टेबल स्पून। और अब है फूड कलर की बारी, और ये ग्लेज इतना अच्छा बनता है, और सारे जो भी ग्लेज बनते हैं ना उनकी यही रेसिपी है। जैसे मैंगो की अभी मैंने प्योरी रखी है, तो इसमें भी मैं यही सब करके पकाऊंगी। जैसे ये गाढ़ा थिक पेस्ट हो जाएगा तो ग्लेज हमारा रेडी हो जाएगा आप केक के सेंटर में, केक के ऊपर डाल के, और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है इसे केक। तो मैंने ये यूज़ किया था, ये देखिए मेरा केक बन गया, पर ये ढक्कन मैंने दिया था ना, जो केक माशाल्लाह इतना फूला कि ढक्कन के पास आ गया था और ये ऐसे चिपट गया केक। और ये भी हमारा केक रेडी है, मैंने इसको जो है टूथपिक लगा के देख लिया। और आज मेरा बेटा ना इसने डाउनलोडिंग करना सीखी, इतनी गेम्स डाउनलोड किए, बार बार मुझे कह रहा है चला के दो। इसको मैंने 5 मिनट छोड़ दिया इस वाले केक को, और ये वाला हमारा रेडी हो गया है, नीचे से पक गया है ज़्यादा। और बस ये हमारे देखें कितनी हाइट ज़्यादा हुई है केक की, जितना आप अंडों को बीट करेंगे केक उतना ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट होता है। और ये देखें पूरा ढक्कन से चिपट गया है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद दूसरा पॉट भी दिया, पर इसका शेप यही बन गया था। बहरहाल मुझे तो ये भी कटिंग करना है ऊपर से, तो ये भी हमारा केक रेडी हो गया। मैंने इसको 5 मिनट और स्टीम दी थी जैसे थोड़ा सा ब्राउन हो जाए साइडों से और नीचे से। ग्लेज़ की बारी है, ग्लेज़ में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको बीट करके पेस्ट बना ली, और अब ये पेस्ट पकती रहेगी हल्की आंच पे। अब ये केक रूम टेम्परेचर पे आ गया है, इसको जो है कि मैं डीमोल्ड करूँगी, और गरम गरम केक को डीमोल्ड नहीं किया जाता, फिर वो टूट जाता है। देखिए नीचे से ब्राउन हो गया साइडों से भी, और ये भी इतना सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना था, इतना फूल गया था केक। तो मैं इस तरह से बनाऊँगी केक कुछ, ये देखिए इस तरह से। बस ये ठंडा हो जाए तो इसको हम स्लाइसेस काट देंगे, और मैं स्लाइसेस का आपको तरीका बताती हूँ अगर आपको, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर जो इक्विपमेंट होते हैं ना बेकिंग के वो नहीं है, मैं जुगाड़ वाले काम कर रही हूँ। तो ये इस तरह से आप बराबर का धागा रख के राउंड, और जो है कि इस तरह से स्लाइस ऐसे काट दें, ये देखिए कितना परफेक्ट स्लाइस कटा है। कभी कभार मुझे टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है, पर खैर है हम कोई वो प्रोफेशनल बेकर्स तो हैं कोई नहीं। अपने बच्चों की खुशी के लिए जो चीज़ें हम दिल से, मैं तो दिल से बहुत बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए, तो मैं खैर बाहर से भी मंगवा सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बाहर से तो जावियान का आपने देखा होगा लास्ट बर्थडे पे कितना प्यारा सा मैंने केक बनवाया था। तो ये मैं बस एक जो अपने हाथों से बनाओ ना उसकी खुशी कुछ अलग होती है। ये दूसरे वाले को भी अभी इसी तरह से स्लाइस करूँगी। तो बस मैंने, जावियान भी बहुत एक्साइटेड था, वो घर में बनाती हूँ ना वो बहुत एक्साइटेड होता है, बाहर से तो हर कोई मंगवा लेता है, ये चीज़ें भी आनी चाहिए ज़रूर। हाँ मुझे पता है कि परफेक्ट में नहीं बनता कि जैसे बाहर से हमें बेकरी वाला स्टाइल मिलता है, पर मुझे इतनी खुशी होती है कि जितना हमें आता है ना उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतरीन बनता है केक या कोई भी डिश। तो मेहनत करते रहना चाहिए, और अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, और अपने फैमिली के लिए। तो यहाँ पे ये ग्लेज भी, ये देखिए इसकी ये कंसिस्टेंसी रखनी है, ये भी रेडी हो गया है। इसको भी मैं अब प्याली में बना के रेडी करके रखूँगी, क्योंकि अब हमारी बारी है केक को आइसिंग करने का। और उसके बाद जो है कि मैं ये चॉकलेट मेल्ट करूँगी, और ये सिरप भी मैंने रेडी करना है जो हम केक के ऊपर लगाएंगे। ये शुगर मैंने ऐड कर दी, और उसके बाद पानी डाल के शुगर को मेल्ट करना है इस पानी में, कोई गरम वरम नहीं करना, बस नॉर्मल पानी डाल के, और इसको बिल्कुल शुगर को हल करना है बिल्कुल पानी में।
तो ये सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब ये चॉकलेट की बारी है, इसमें मैं बटर ऐड करके और चॉकलेट डाल के कुछ सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में रखूँगी। और ये चॉकलेट जो ड्रिपिंग हमें करनी है, जो कि मुझसे बिल्कुल भी सही नहीं हुई, ये स्टेप मुझसे ख़राब हो गया, जिससे मेरे केक का लुक थोड़ा सा अजीब हो गया। क्योंकि चॉकलेट या तो बिल्कुल ही पानी के जैसे हो रहा था, या तो फिर जो है ना बिल्कुल ही थिक हो रहा था। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते सीख ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये अब हम करेंगे आइसिंग, और आइसिंग के लिए हमेशा स्टील का कोई पॉट लें। और इसके लिए मैंने ये विपी विप मंगवाई है क्रीम। आइस मैंने नीचे से रख दी बाउल के नीचे, मतलब टेम्परेचर उसका ठंडा ही रहना चाहिए बाउल का। और ये 1 कप मैंने इसमें क्रीम यूज़ करूँगी, और 1/2 कप मुझे फिर बाद में भी चाहिए होगी, जिसमें मैं ऊपर से डेकोर करूँगी, वो ग्रीन कलर की क्रीम बनाएंगे। बस इसको अब इतना बीट करना है कि जो है कि सॉफ्ट पीक पे आ जाए, ये देखिए ये कंसिस्टेंसी आ जाए, तो क्रीम हमारी रेडी है। और इसी बाउल में रखी रहनी है, क्योंकि अगर इस बाउल से निकाल देंगे तो क्रीम मेल्ट हो जाएगी। अब बारी असेंबल करने की, और ये जो है कि इस पे शुगर का वो सिरप लगा दिया मैंने, और अब इसके बाद हम लगाएंगे स्ट्रॉबेरी ग्लेज। और ये ग्लेज भी मैंने इस तरह से फैला के अच्छे से लगा दिया। और आप यकीन करें, जब केक हमने खाया था ना, इतना परफेक्ट टेस्ट आया था इस ग्लेज का, जो मतलब बाहर की बेकरीज से लेते हैं ना, उससे भी अच्छा आया था। क्योंकि घर में हम ज़्यादातर ना प्योर और नेचुरल सब चीज़ें इस तरह की डालते हैं खुशी से, दिल से, तो उसका टेस्ट भी कुछ ज़बरदस्ती आता है। तो उसके बाद ये मैंने 3rd लेयर लगा दी विप क्रीम की, और इसी तरह से बस हमें लेयर्स डालते जाने हैं। और अब फिर ये दूसरी लेयर मैंने केक की रख दी, और इस पे भी हम शुगर सिरप ऐड करेंगे। पूरा इसको, पूरे केक को गीला करेंगे, उसके बाद फिर जाएगा ग्लेज, और 3rd नंबर पे जाएगी क्रीम। तो बस इसी तरह से मैं लेयरिंग करती जाऊंगी। अब दूसरी मैं क्रीम बना रही हूँ ग्रीन कलर की, विपिंग क्रीम करूँगी, क्योंकि मुझे ऊपर से थोड़ी सी ऊट पटांग जो है ना डेकोर करना है थोड़ा सा, तो उसमें मैं ग्रीन कलर डाल के और उसको फिर बीट करूँगी, उसी तरह से फॉमी कंसिस्टेंसी करूँगी इसकी, और उसको फिर पाइपिंग बैग में भर के कोन में, और फिर उसके साथ हम डिज़ाइन करेंगे। जब तक ये काम करूँ मैं, तब तक मैंने केक को फ्रीज़र में रख दिया, क्योंकि क्रीम है ना, ये गर्मी इतनी है किचन में, फिर मेरा खाना भी बन रहा था साथ साथ, तो वो मेल्ट हो जाती। और फिर चॉकलेट से मैंने हैप्पी बर्थडे का मोल्ड उठाया, और हैप्पी बर्थडे का ये इसमें फिल करके, और इसको जो है कि फ्रीज़र में रख दिया। ये भी 5-10 मिनट में ही वो हो जाएगा रेडी। और ये केक को मैंने निकाल दिया, और इस पर मैं अब कर रही हूँ जो मेरा दिल चाह रहा है, मैं वही कर रही हूँ। मैंने कोई तस्वीर नहीं देखी, कुछ भी नहीं, बस पता नहीं क्या बस बनाया, बस केक बन गया मेरा। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, एक दफ़ा हमने बनाया था, मेरी सिस्टर ने अपनी बेटी की बर्थडे के लिए जो आई थी वेकेशन में, और फिर मैंने उसके साथ साथ ही बनाया था। और अभी ये क्रीम केक मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, वैसे टी केक और बाकी की केक तो मैं बनाती रहती हूँ, तो ये वाला मैं अपने बेटे के लिए फ़र्स्ट टाइम मैंने कहा अभी बना के देखूँ, अगर परफेक्ट बन रहा है तो फिर जो है ना मैं इसकी बर्थडे पर भी मैं ही बनाऊँगी। पर जितनी मैंने मेहनत की है ना, मैं 7 बजे से केक बनाने में लगी, तो इसमें जो है कि तकरीबन मैं 11 बजे फारिग हुई थी। और जो है कि बहुत मेहनत भी है, खर्चा तो है ही ज़ाहिर है, और मुझे इसलिए पता नहीं चला क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बेकिंग की लेती रहती हूँ। अब ये काम गलत हो गया, ये देखें इतना ज़्यादा मेल्ट हो गया। फिर मैंने इसको फ्रीज़र में रखा, जब तक मैंने कहा थोड़े स्प्रिंकल्स लगा दूँ, तो बस ये मैं मुझसे इतना ऐसा बना है केक। बट बिलीव मी, टेस्ट वाइज बहुत ज़बरदस्त बना था, और जो है कि बस शक्ल ऐसी थी।
पर जो फर्स्ट टाइम बनाता है मतलब फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा बना है। मैं खुद ही अपने केक पे हंस रही हूँ, आप भी हंस सकते हैं। पर सबको पसंद आएगा था बहुत। और जो है कि जावयान भी, मेरा बच्चा भी बहुत खुश हो गया, उसने केक काटा। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कितना एक्साइटेड हो रहा है। और इसके पापा तो नहीं थे, वो आउट ऑफ सिटी हैं, कुछ काम से गए हैं, तो वो फिर दादी के पास जाके दादी के साथ केक काटा उसने। इसकी बर्थडे हम करेंगे, इसकी जो वो वाली बर्थडे होती है ना अक्टूबर वाली, उस पे करेंगे। ये 12 रबी अव्वल को मैंने इसका केक कटवाया, क्योंकि जावयान, मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि जावयान 12 रबी अव्वल को हुआ था 2020 में। और जो है कि जुम्मे का ही दिन था, और खैर से कल भी जुम्मे का ही दिन था 12 रबी अव्वल का। तो इस खुशी में मैंने केक बनाया अपने बेटे के लिए, और साथ साथ मैंने रबी अव्वल के लिए सेवइयाँ भी बनाई थी। और ये 3 का भी मैंने किया था, ये 3 भी लगा दिया। ड्रिपिंग बहुत ख़राब हो गई, मेरे केक का कबाड़ा कर दिया। खैर, कुछ ना कुछ गलत होता है, उसी से आप सीखते हैं। बाकी का जो चॉकलेट रह गया, मैंने ये स्माइल्स वाले मोल्ड में जावयान के लिए चॉकलेट जमा दी। फिर इसको इतनी पसंद आई, इसने कहा मुझे दूसरी भी बना के दो। फिर मैंने आज फिर दोबारा बनाई हैं, वो देसी घी में बना के दिए हैं चॉकलेट्स मैंने। तो ये था केक का फाइनल लुक। और जो है कि मुझे डेकोर करना नहीं आया केक को, बस इतना आया कि लग रहा था कि केक ही। तो इस तरह का ये बन गया हमारा, ये हैप्पी बर्थडे भी मैंने इस पे लगा दिया। और मुझे बताइएगा ज़रूर आप लोगों को फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा कैसा लगा। ये थोड़ा ऊपर हो गई थी, बी नीचे कर दिया इसको, और ये था केक। और आपको पता है मेरा बेटा अपना नाम ढूंढता कि जावयान कहाँ लिखा हुआ है। मैंने कहा बेटा ये चीज़ रह गई। उसके साथ साथ केक हमारा फ्रिज में चला गया, और यहाँ पे मेरा बेटा तैयार भी हो गया। मैंने इसको शलवार कमीज़ पहनाया था, मुझे प्यार कर रहा था, और मुझसे मुझे कह रहा था मेरी हैप्पी टू यू, पैसे दो। पैसे लेके अपने पॉकेट्स में डाल रहा था। और यहाँ पे कह रहा है मैं शायान बनाएगा नूडल्स, सेवइयों को भी नूडल्स, हर चीज़ नूडल्स है। तो मैं इसके पास ही खड़ी थी, ये देखे प्यार कर रहा है मुझे, केक को देख देख के मम्मा पे प्यार आ रहा था जावयान को। ये एक ट्राइपॉड इसने मेरा तोड़ दिया, और अब दूसरे के पीछे पड़ा है। ये देखें, बस ये सेवइयां भी रेडी हो गई, फिर ये मैंने बांटनी थी घर में, जावयान ने भी खाना खाना। तो ये टाइम था जावयान की केक कटिंग का, और केक कटिंग करने हम आ गए इसकी दादी के घर। और अम्मा के घर तो बच्चे आते जाते रहते सारे मेरे जेठों के, तो जो भी थे घर में, तो अपने कज़न के साथ इसने केक कटवाया, ये हसने ने, जावेन की पुप्पो का बेटा। तो इसके साथ साथ इसने केक कटवाया, और बहुत खुश हो रहा था। और खाएगा नहीं, बस क्रीम को लिक करता है। ये देखें, ये हाल है केक का। और जो है कि उसके बाद फिर सबको खिलाया और सबको बांटा केक को। और ये देखिए केक का ये लुक था अंदर से, जो मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी ग्लेज डाला था। तो मैंने कहा ये आपको भी दिखाऊं कि अंदर से किस तरह के पीसेस थे। तो इस तरह का लुक आया था, और ग्रीन कलर देखिए केक का कितना एनहांस हो रहा है। तो व्लॉग को अभी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।